वेलकम टू आवर YouTube चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम ने कॉम्प्लीमेंट्री रूल, ओड्स इन फेवर ऑफ एंड ओड्स अगेंस्ट एन इवेंट अगर दिए हैं तो कैसे हमें क्वेश्चन को करना है वो हमने लर्न किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा टॉपिक। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और टॉपिक क्लियर हो सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम एडिशन थ्योरम जो पढ़ रहे थे, हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में एडिशन थ्योरम को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के रिगार्डिंग उसके संदर्भ में सीखेंगे कि कैसे हमें एडिशन थ्योरम को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अप्लाई करना है। जैसा कि आपको पता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो एक साथ नहीं घट सकते। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, हेड और टेल उसमें एक साथ दोनों नहीं आ सकते। या हम एक पासे को उछालते हैं, एक डाई को उछालते हैं, तो उसमें या वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा। सभी जो केसेस हैं वो कोई भी दो केस एक साथ नहीं आ सकते, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिसमें कुछ पार्ट कॉमन होता है, तो फिर वहां पर हमें एडिशन थ्योरी में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कह सकते हैं उसको करेक्शन करनी पड़ती है। तो कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और सभी एग्जांपल्स को आप ध्यान से समझिए, दिक्कत नहीं आएगी आपको, टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को हमारी अंत तक जरूर देखिए। तो देखते हैं कैसे हम एडिशन थ्योरम को नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में यूज करेंगे। मॉडिफाइड एडिशन थ्योरम, इसको हम मॉडिफाइड एडिशन थ्योरम बोलेंगे नॉट म्यूचुअली के केस में, स्टेट दैट इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी दो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ आइदर ए और बी और बोथ इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ इवेंट ए अकर्स प्लस द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट बी अकर्स माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कॉमन ऑफ बोथ ए एंड बी अकर, ए अकर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी अकर होने की प्रोबेबिलिटी माइनस ए और बी के दोनों के एक साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ए के घटने की प्रोबेबिलिटी और बी के घटने की प्रोबेबिलिटी दोनों जो ऐड हुई है उसमें कुछ पार्ट कॉमन है, ए के घटने और बी के घटने, जब दोनों इकट्ठी घटती है तो वो पार्ट कॉमन है, उस पार्ट को हम लेस कर देंगे, वो ए के घटने में भी ऐड हो गया, बी के घटने में भी ऐड हो गया, तो उसको हम लेस कर देंगे। सिंबोलिकली हम लिख सकते हैं पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, जहां पर ए और बी दोनों इकट्ठे हो उसको हमें माइनस कर देना है, या हम कह सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी, यहां पर गलती से माइनस का साइन लग गया, इसको प्लस कर लीजिएगा। इन दिस फार्मूला We subtract A probability of A and B, namely the probability of event A,
विच आर काउंटेड ट्वाइस, ए में भी काउंट हो गई है और बी में भी काउंट हो गई है, उसको हम लेस कर देंगे. द थ्योरम इज दस मॉडिफाइड इन सच ए वे एज टू रेंडर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. तो इस प्रकार से हम इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है. हम डायग्राम से समझे तो ये है ए इवेंट और ये है बी इवेंट. अब इसमें ये जो कॉमन पार्ट है वो ओवरलैपिंग है, वो ए में भी ऐड हो गया और बी में भी ऐड हो गया, तो दो बार ऐड हो गया, इसलिए इस कॉमन पार्ट को हमें वन टाइम लेस करना होगा. इसीलिए हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी. तो ये कॉमन पार्ट दो बार ऐड हो चुका है इसलिए उसको एक बार हम माइनस करते हैं. इस थ्योरम को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं, टू थ्री मोर इवेंट में हम इसको एक्सटेंड किया जा सकता है. दिस थ्योरम कैन आल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ थ्री और मोर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, उनमें हम इसको प्रयोग कर सकते हैं. द प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ ए बी सी इवेंट विल बी कैलकुलेटेड. अगर तीन इवेंट की है तो कैसे करेंगे, या तो आइदर ए या बी या सी आए, तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए बी पी बी सी एंड पी ए सी प्लस पी ए बी सी पी ए पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए एंड बी, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, माइनस बी और सी का जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, माइनस ए और सी का जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर देंगे, और ए बी सी तीनों का जो कॉमन पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ए बी में भी माइनस हो गया, बी सी में भी माइनस हो गया, और सी ए या ए सी गई है उसमें भी माइनस हो गया. तो वो एक बार भी नहीं बचा, तीन बार ऐड हुआ था, तीनों बार माइनस हो गया, लेकिन एक बार तो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम पी ए बी सी That means के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी, उसको जो तीनों की कॉमन है उसको एक बार ऐड करेंगे. डायग्राम से हम समझते हैं इसको कैसे होगा. ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है. अब ए और बी का ये जो पार्ट है वो माइनस कर दिया, फिर हमने बी और सी का जो पार्ट है वो माइनस कर दिया, फिर हमने ए और सी का जो कॉमन पार्ट है वो माइनस कर दिया, लेकिन तीनों का जो कॉमन पार्ट है ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है वर्टिकल लाइंस में उसमें लगी हुई है, तीनों में लेस हो गया, ए बी में भी लेस हो गया, बी सी में भी हो गया, ए सी में भी, तो तीनों बार लेस हो गया, तीन बार ऐड हुआ था, तीन बार लेस हो गया, लेकिन एक बार तो उसको जोड़ना पड़ेगा, इसलिए तीनों का जो कॉमन पार्ट है उसको हम एक बार जोड़ देंगे. तो इस प्रकार से इस मॉडिफाइड एडिशन थ्योरम का हम प्रयोग नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इस प्रकार से करेंगे. एग्जांपल देखते हैं और बेटर क्लियर होगा. वीडियो के अंत तक बने रहिए, एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट और बेटर क्लियर होगा. ए कार्ड इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड. एक पैक ऑफ कार्ड से कार्ड को ड्रा किया गया. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इज आइदर ए क्लब, या तो वो क्लब हो या किंग हो, या तो क्लब हो या किंग हो. अब एक कार्ड उसमें ऐसा आ गया किंग ऑफ क्लब, जो क्लब में भी आ गया और किंग में भी आ गया, तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, उसको हम माइनस कर देंगे. तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए क्लब कार्ड दैट इज हमने पी सी लिखा, क्लब के 13 होते हैं, 13 फेवरेबल हो गए, टोटल 52 है, 52 से डिवाइड करेंगे. फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए किंग, हमने इसको पी के से डिनोट किया, किंग होते हैं 4, तो 4 हमारे फेवरेबल हो गए और 52 हमारे टोटल हो गए, तो ये हो गया 4/52. These two event are not mutually exclusive. Mutually exclusive नहीं है. जो king of club है वो club में भी add हो गया और king में भी add हो गया, दो बार add हो गया, एक बार हमें उसको minus करना है, because one of the king can belong to the club which can be expressed as PCK. हमने उसको probability of CK club
किंग लिखा वो है एक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, PC प्लस PK माइनस PCK। तो PC थी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड थी 13/52, किंग की थी 4/52, उसमें से किंग ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी 1/52 उसको लेस कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 16/52, सोल्व करेंगे तो 4/13। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्टूडेंट अप्लाई करता है पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है फ्रॉम वाई में और फ्रॉम जेड में। उसने एस्टीमेट लगाया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग सिलेक्टेड इन द फॉर्म वाई इज 5/8, कि उसका सिलेक्शन फर्म वाई में हो जाएगा, इसकी संभावना है 5/8। उसको रिजेक्ट, अब ध्यान से पढ़ना है कि कहां सिलेक्शन का दिया है और कहां रिजेक्शन का दिया है। जेड में उसका रिजेक्शन हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 3/7, तो हम 1 में से माइनस करके उसकी सिलेक्शन की निकाल सकते हैं, या तो उसका सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा, दो ही चीजों की, तीसरा कोई होगा नहीं। तो उसके सिलेक्शन का चांस क्या आ जाएगा, 1-3/7, 4/7 आ जाएगा जेड फॉर्म में। ही हैज आल्सो मेड एन एस्टीमेट, उसने एक और एस्टीमेट किया दैट ही विल सिलेक्टेड इन बोथ द फॉर्म, दोनों फर्म में उसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दोनों फर्म में वो इंटरव्यू दे गया, दोनों फर्म में उसका सिलेक्शन हो जाए, उसका चांस है 6/12। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन वन ऑफ द फर्म, किसी भी फर्म में उसका सिलेक्शन हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, या तो उसका एक्स वाई फर्म में हो जाए या जेड फर्म में हो जाए, पी वाई और पी जेड। तो पी वाई और पी जेड क्या होगा, पी वाई प्लस पी जेड माइनस पी वाई एंड जेड। तो कैसे करेंगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड इन द फर्म वाई, उसको हमने पी वाई से लिखा 5/8, क्वेश्चन में गिवन है। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन द फर्म जेड, उसके रिजेक्शन की दे रखी है, सिलेक्शन ऑफ जेड की हमने लिखी पी जेड, 1-3/ रिजेक्शन की जो दे रखी थी 3/7 वो लेस कर देंगे तो उसके सिलेक्शन की हो गई 4/7। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सिलेक्टेड इन बोथ द फॉर्म वाई और जेड, दोनों में सिलेक्शन हो जाए, दैट इज पी वाई जेड, उसकी हो गई 6/12। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, उसका सिलेक्शन हो जाए चाहे वाई में हो चाहे जेड में हो, तो वो होगी पी वाई प्लस पी जेड माइनस पी वाई जेड। तो पी वाई थी हमारी 5/8, पी जेड थी 4/7 और पी वाई जेड थी 6/12, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 117/168। नेक्स्ट देखते हैं, एक बॉक्स में 30 बॉल्स हैं जिन पर 1-30 तक नंबर लिखे हुए हैं, एक बॉल को निकाला गया रेंडमली, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ दिस बॉल इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5, या तो वो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। तो 3 के मल्टीपल 30 तक में होंगे 10, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। तो P3 3 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 10/30। अब 5 का है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बीइंग मल्टीपल ऑफ 5 अप टू द 30 विद इन 30, तो 30 में 5 के होंगे 6, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 के मल्टीपल होने की आ गई 6/30। 2 नंबर दैट इज 15, 30 आर कॉमन, क्योंकि वो 3 के मल्टीपल भी हैं और 5 के मल्टीपल में भी हैं, तो कॉमन 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल होने की हो गई P3 and 5, 2/30। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, P3 + P5 - P3 and 5। तो P3 थी हमारी 10/30, P5 थी प्लस में 6/30, P3 एंड 5 थी हमारी -2/30, तो ये आ जाएगी 14/30, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 7/10।
नेक्स्ट देखते हैं, देर आर 10 बॉयज 20 गर्ल्स इन ए क्लास, एक क्लास में 10 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, इन विच हाफ बॉयज एंड हाफ गर्ल्स हैव द ब्लू आई, आधे लड़कों की और आधी लड़कियों की आंखें नीली हैं, वन रिप्रेजेंटेटिव इज सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द क्लास, एक रिप्रेजेंटेटिव को रैंडमली क्लास में से सिलेक्ट किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए बॉय, एक तो वो बॉय हो या हिज या हर आई आर ब्लू, या तो वो बॉय हो या उसकी आंखें नीली हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, एमडीयू में 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, देर इज ए टोटल बॉय, टोटल स्टूडेंट हो गए 10 बॉय थे, 20 गर्ल थी, 30 ब्लू आई वाले, हाफ बॉयज की और हाफ गर्ल्स की, तो दैट मींस 5 बॉयज और 10 गर्ल्स की आईज ब्लू थी, तो ब्लू आई वाले स्टूडेंट हो गए 15। अब वन बॉय को सिलेक्ट किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने डिनोट किया पीबी से, तो बॉय है 10, फेवरेबल हो गए 10, टोटल है 30, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो बॉय होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 10/30। अब हमें ब्लू आई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ब्लू आई इसको हमने लिखा पीई, 10 बॉयज की और 10 में से हाफ बॉयज, 5 बॉयज और 20 गर्ल्स में से हाफ गर्ल्स, 10 गर्ल्स की ब्लू आई है, तो 15 स्टूडेंट की आई ब्लू है, तो ब्लू आई की प्रोबेबिलिटी हो गई 15/30, क्योंकि 15 हमारा फेवरेबल है, केसेस हैं 15 और टोटल है 30, तो 15/30। बट आउट ऑफ 15 5 बॉयज विच आर कॉमन, क्योंकि वो ब्लू आई में भी आ गए और वो बॉयज में भी आ गए, तो दोनों कॉमन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनकी आंखें नीली भी हों और वो बॉयज भी हों, इसकी कॉमन प्रोबेबिलिटी हो गई 5/PB&E की प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय होने की और नीली आंखें होने की आ गई 5/30, क्योंकि 5 बॉयज ब्लू आईज वाले हैं, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है आइदर वो बॉय हो या उसकी आंखें नीली हो, पीबी और पीई, तो पी और पीबी और पीई हमारा सोल्व करेंगे, तो पीबी प्लस पीई माइनस पीबी एंड ई, तो पीबी है 10/30, पीई है 15/30 और पीबी एंड ई है 5/30, लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 20/30, सोल्व करेंगे तो 2/3, ऐसी संभावना है कि जो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है या तो वो ब्लू आई वाला हो या वो बॉयज हो, इसकी संभावना 2/3 है। नेक्स्ट देखते हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ ए पैक ऑफ कार्ड, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड इज एन एस, वो कार्ड एक का हो, किंग हो, क्वीन हो या क्लब कार्ड हो, एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल कार्ड होते हैं 52, एन हमारा 52 है, एस होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस आ गई 4/52, किंग होते हैं 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो गई 4/52, सिमिलरली क्वीन होती है 4, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 4/52, क्लब होते हैं हमारे 13, हमने पीसी से लिखा 13/52, बट इन 13 क्लब के कार्ड में एक किंग भी है, एक क्वीन भी है और एक एस भी है, तो चारों में कॉमन क्या हो गया, एस, किंग और क्वीन, दस 3 कार्ड्स आर कॉमन अमंग द क्लब कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एस की तथा किंग की तथा क्वीन की और क्लब की, क्लब का इक्का हो, क्लब का बादशाह हो, क्लब की क्वीन हो, इसकी संभावना हो गई 3/52, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पी ए प्लस पी के प्लस पी क्यू प्लस पी सी माइनस पी ए के क्यू सी, के वो क्लब का इक्का हो, क्लब का बादशाह हो और क्लब की बेगम हो, क्वीन हो, किंग हो, एस हो, वो तीनों में कॉमन है, उस चारों में कॉमन है सॉरी, उसको लेस कर देंगे 4/52 प्लस 4/52 प्लस 4/52
प्लस 13 बाय 52 माइनस 3 बाय 52 22 बाय 52 सोल्व करेंगे तो 11 बाय 26 आ जाएगी। अब आप यहाँ ये क्वेश्चन कर सकते हो कि आपने कहा था कि तीन में है उनको लेस कर देंगे और वो जो कॉमन पार्ट है, लेकिन यहां पर केवल क्लब में कॉमन है, बाकी में कॉमन नहीं है, इसलिए केवल हमने एक बार उसको लेस किया है, ये ध्यान रखना है। भाई सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें क्लब का किंग क्वीन और इक्का हो, वही पार्ट है, वही पार्ट हमने लेस किया है, क्योंकि वो एक में भी आ गया, किंग में भी आ गया, क्वीन में भी आ गया, और वो तीनों ही क्लब में भी आ गए, तो केवल उनको एक क्लब में वो तीनों आए हैं, तीनों को एक बार लेस कर दिया तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बुक है उसमें 100 पेजेस हैं, उनको 1 से 100 तक नंबर दिया गया है। ए पेज इज ओपन्ड एट रैंडम, एक पेज को रैंडमली ओपन किया गया, सेलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओपन पेज इज मल्टीपल ऑफ 6 और 10, या तो वो 6 का मल्टीपल हो या 10 का मल्टीपल हो। एमडीयू में 97 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ पेज है हमारे 100, 6 के मल्टीपल होंगे 16, 100 तक में 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 एंड 96, 16 हो गए, तो 6 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 16 बाय 100। 10 का मल्टीपल हो, 10 के मल्टीपल 100 तक में 10 होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, तो इसको हमने PTN से लिखा 10 बाय 100। अब जो 30, 60 और 90 दोनों में आ गए, 6 के मल्टीपल भी हैं और 10 के मल्टीपल भी हैं, वो कॉमन पार्ट हो गया तो उसको लेस करना पड़ेगा। पेजेस नंबर 30, 60 एंड 90 आर बोथ मल्टीपल ऑफ 6 एंड 10, सो द कॉमन पेजेस आर 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का मल्टीपल हो, 10 का मल्टीपल हो, दोनों की कॉमन प्रोबेबिलिटी आ गई 3 बाय 100, उसको हम उसमें से लेस करेंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई P6 प्लस P10 माइनस P6 एंड 10, तो P6 है 16 बाय 100, P10 है 10 बाय 100 माइनस 3 बाय 100, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, सोल्व करेंगे 23 बाय 100। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टू डाइज आर टोस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल इज डिविजिबल ऑफ 3 और 4, जो दो डाई का टोटल आया उसको हमने नोट किया, वो 3 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो, ये हमें निकालना है। टू डाइज कैन बी थ्रोन इन द 36 वे, 6 इंटू 6 36 वेज, मैक्सिमम टू डाई में सम आ सकता है 6 प्लस 6 12, तो टोटल ऑफ टू डाइज डिविजिबल बाय 3 मींस टोटल ऑफ टू डाइज या तो 3 हो या 6 हो या 9 हो या 12 हो, तो टोटल ऑफ 3 टू डाइज में कितने तरीके से आ सकता है, 3 आ सकता है 1 2 2 1 दो तरीके से, 6 कितने तरीके से आ सकता है दो डाइज में 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 पांच तरीके से आ सकता है, 9 टोटल कितने तरीके से आ सकता है 3 6 4 5 5 4 6 3 चार तरीके से आ सकता है, 12 टू डाई में कितने तरीके से आ सकता है 6 प्लस 6 एक तरीके से आ सकता है, तो टोटल ऑफ सम डिविजिबल बाय 3 6 9 और 12, तो उसका हो गया टोटल वे हो गए 12, 3 के हैं 2, 6 के हैं 5, 6 के हैं सॉरी 9 के हैं 4 और 12 के हैं 1, तो टोटल वे हो गए हमारे 12। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई कि टू डाइज में 3 के मल्टीपल का टोटल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 12 बाय 36, फेवरेबल है 12 और टोटल है 36, तो 12 बाय 36 आ गई। इसी प्रकार हम 4 के निकालेंगे, तो टू डाइज में 4 मींस टू डाइज में 4 के डिविजिबल होंगे 4, 8 एंड 12, तो 4
कैसे आ सकता है, टू डाइज में 1 3 2 2 3 1, तीन तरीके से आ सकता है। 8 कितने तरीके से आ सकता है, 8 आ सकता है टू डाइज में 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, पांच तरीके से। 12 आ सकता है एक तरीके से, 6 + 6 टोटल हो गए 3 + 5 + 1 9 वेज। तो 4 का मल्टीपल आने की संभावना हो गई 9/36, बट जो 12 है वो 3 के मल्टीपल में भी आया और 4 के मल्टीपल में भी आया, कॉमन हो गया। तो 12 कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से आ सकता है, तो 3 एंड 4 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई कॉमन प्रोबेबिलिटी 1/36। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी P3 + P4 - P3 and 4, तो 12/36 + 9/36 - 1/36, 20/36 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 5/9। नेक्स्ट देखते हैं, 3 न्यूज़पेपर्स हैं ABC, पब्लिश होते हैं एक सिटी में। इट इज एस्टिमेटेड दैट ए सर्वे ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, 20% ए न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, 16% बी को पढ़ते हैं, 14% सी को पढ़ते हैं, 8% ए और बी दोनों को पढ़ते हैं, 5% ए और सी दोनों को पढ़ते हैं, 4% बी और सी को पढ़ते हैं, और 2% ऐसे हैं जो तीनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ए को भी, बी को भी और सी को भी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन को सिलेक्ट किया गया रैंडमली, एटलीस्ट कि वो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। दूसरे पार्ट में पूछा है डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो, तो पहले हम निकालेंगे कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो। ए न्यूज़पेपर के पढ़ने की प्रोबेबिलिटी को हमने लिखा पी ए, 20% दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी को लिखा पी बी, 16% है, सी न्यूज़पेपर को पढ़ने की पी सी, 14% है, और ए और बी दोनों को कॉमनली पढ़ने की 8% है, बी और सी दोनों को पी बी सी लिखा 4% है, ए और सी दोनों को कॉमनली पढ़ने की हमने लिखा पी ए सी 5% है, और तीनों को ही पढ़े पी ए बी सी 2% है। अब हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अभी तक तो हमने वही लिखा जो क्वेश्चन में गिवन था। पहले में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि अडल्ट रीड एट लीस्ट ऑफ द वन न्यूज़पेपर, वो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, ए पढ़ता हो, बी पढ़ता हो या सी पढ़ता हो, तो क्या हो गया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो ये क्या होगा हमारा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए बी माइनस पी बी सी माइनस पी ए सी प्लस पी ए बी सी, ये तीन वाला आ गया कि उसमें ए बी भी पढ़ता है, बी सी भी पढ़ता है, सी ए भी पढ़ता है और ए बी सी भी पढ़ता है। तो पी ए बी ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, पी बी सी बी में भी आ गया, सी में भी आ गया, लेस कर दिया, पी ए सी ए में भी आ गया, सी में भी आ गया, लेस कर दिया, लेकिन वो पार्ट जो तीनों ही पढ़ता है तीनों में ही लेस हो गए, इसलिए उसको एक बार ऐड कर दिया, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 20% प्लस 16% प्लस 14% माइनस 8% माइनस 4% माइनस 5% प्लस 2% 35%, दैट इज 7/20। अब उसने दूसरे पार्ट में पूछा है दैट अ पर्सन सिलेक्टेड डज नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर ना पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री से निकाल लेंगे, पढ़ने की निकाल ली उसको 1 माइनस कर देंगे तो वो ना पढ़ने की आ जाएगी, तो क्या होगा 1 माइनस पी ए और बी और सी, तो क्या हो जाएगी 1 - 35/100, 65% आ जाएगी, दैट इज 13/20। ऐसे व्यक्ति के सिलेक्ट की संभावना है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। इस प्रकार से हम नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में एडिशन थ्योरम को मॉडिफाई करके प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे।